हमारा आज का टॉपिक है लिबरल्स रिवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स। कल क्या देखे थे सभी को याद होगा? याद है कि किसी को कलम में क्या पढ़े थे? कलम देखे थे हंगर और सबसिस्टेंस क्राइसिस जो पूरे यूरोप में चल रहा था। कैसे वेस्टर्न हो या सेंट्रल हो या ईस्टर्न यूरोप में खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी थी, और वेस्ट में तो फ्रांस में सेकेंड रिवोल्यूशन भी हुई थी जो एग्जैक्टली 1789 में जो रिवोल्यूशन हुई थी ऑलमोस्ट बहुत उसी तरह की रिवोल्ट 1930 में भी हो चुकी थी, जहाँ पे लुई फिलिप जो वहाँ का राजा था फ्रांस का उसको देश छोड़ के भागना पड़ा था और वापस नेशनल असेंबली ने अपने हाथों में पावर ले ली थी। ये हमने देखे थे इससे पहले की क्लास में कल में। आज हमको देखना है ये यहाँ से रिवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स। इसके बाद हम देखेंगे जर्मनी कैसे बना और इटली कैसे बना और इंग्लैंड कैसे बना यूनाइटेड किंगडम। अब वो इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम का डिफरेंस भी हमको देखना है, दोनों नाम के बीच में क्या डिफरेंस है वो परसों देखना है, परसों मेरी आज से चार पीरियड बाद देखने वाले। आज यूरोप की जनरल कंडीशंस देखेंगे। ये बार पेज नंबर 17 टेक्स्ट बुक का, बस यहाँ से लेके ये पूरा पेज और इतना। जर्मनी कैसे बना वो हमारा कल का टॉपिक होगा। सो टेक्स्ट बुक में आइडिया आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गो टू अ पीपीटी। आते आते पूरे यूरोप में रिवोल्यूशंस नॉर्मल हो गए थे। रिवोल्यूशंस मतलब बहुत बड़े बड़े रिवोल्यूशंस नहीं समझने। फ्रांस में क्या हुआ था 1848 में? आई थिंक मुझे लगा मैंने इससे पहले जब रिवाइज करा था 1830 का 1848 में वापस सेकेंड रिवोल्यूशन हुआ और किंग लुई फिलिप को फ्रांस छोड़ के भागना पड़ा और नेशनल असेंबली वापस पावर में आ गई। उसने फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आई और यहाँ पे यूनिवर्सल मेल सफरेज दे दिया गया। सभी एडल्ट मैन को वुमेन को नहीं फ्रांस में वोटिंग राइट्स दे दिए गए। ये सब फ्रांस में हुआ। और ड्यूक ऑफ मैटरनिश ने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप गेट्स कोल्ड। लेकिन बाकी यूरोप में जर्मन स्पीकिंग हो, पर्शियन एम्पायर हो या हैब्सबर्ग एम्पायर के बाकी फेडरेशन हो, वहाँ पर भी हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे, हालात बिगड़ ही रहते थ्रू आउट 19th सेंचुरी। That is again 1801 to 1900 throughout 19th century यूरोप में छोटे मोटे रिबेल हो ही रहते। जैसे हमने सिलेसिया, कल याद होगा सबको हमने सिलेसिया का रिवोल्ट देखा। कैसे वीवर्स ने अटैक कर दिया था पैरिस में कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों पे और कॉन्ट्रैक्टर्स को भागना पड़ा था। वो उस तरह की सिचुएशन पूरे यूरोप में थी। और ये रिवोल्ट कौन कर रहे थे? कॉमन लोग कर रहे थे। अरे रिवोल्ट कॉमन प्लेस हो चुके थे, करने वाले थे गरीब लोग, अनएम्प्लॉयड लोग, स्टार्विंग पीजेंट्स और वर्कर्स, ये तरह के सोशल ग्रुप्स ऑलरेडी रिवोल्ट कर रहे थे। लेकिन इनके रिवोल्ट में इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। छोटे लोग थे, नंबर में कम थे, ग्रुप्स छोटे थे और जो रिवोल्ट करने की कोशिश कर रहे थे रीजनल लेवल पर करने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपहीवल नहीं हो रहा था इनकी वजह से। लेकिन कुछ और भी सोशल ग्रुप था जो हम इससे पहले देख चुके, मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। कौन आता है एजुकेटेड मिडिल क्लास में बता सकते हैं मुझे कौन कौन आता है? एजुकेटेड मिडिल क्लास ने भी रिवोल्ट किया 1848 में। इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें आते हैं, प्रोफेशनल का मतलब डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्टिसंस मतलब सेलिब्रिटी आर्टिसंस, जैसे कि कोई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो अपने हाथों से बहुत पेंटिंग बना लेते हैं, वो पेंटिंग लाखों रुपए में बिकती है। कोई मूर्तिकार ऐसे हो सकता है वो अपने हाथों से मूर्ति बनाए तो उसकी मूर्ति फिर लाखों या करोड़ों में बिके। ऐसे स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस ये लोग इसमें आते थे। बिजनेसमैन जो कि थे तो बहुत अमीर, पढ़े लिखे भी थे लेकिन रॉयल ब्लड उनमें नहीं था, रॉयल फैमिली से नहीं आते थे इसलिए उनके पास पावर्स नहीं थी। ये थे मिडिल क्लासेस लोग।
और इन्होंने डिसाइड किया कि गरीब लोग तो ऑलरेडी रिवोल्ट कर रहे हैं, इनसे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, और वैसे भी ये लोग ज़्यादा गाइडेड लोग नहीं थे, इनके पास ज़्यादा गाइडेंस नहीं था, ये बस रिवोल्ट करते थे, उठाते थे, कुछ हथियार आदमी देते थे, थोड़ी मारपीट करते थे, थोड़े लोगों के घर जला देते थे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर ये रिवोल्ट करने में कामयाब हो भी जाते तो रिवोल्यूशन से हासिल किया हुआ पॉलिटिकल पावर शायद ये संभाल नहीं पाते थे ये लोग, इनमें उतना नॉलेज या उतनी अवेयरनेस नहीं थी, लिटरेट नहीं थे ना ये लोग। लेकिन अब इन्हीं के लाइन में ज्वाइंट हो गए एजुकेटेड मिडिल क्लास, नेक्स्ट ग्रुप एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब ये मिडिल क्लास के पास नॉलेज भी था और पैसा भी था, कमी थी किसकी, पावर की, पावर मतलब पॉपुलेशन की कमी थी जो इनको सपोर्ट करे। तो इन्होंने सोचे अब हम लीड करेंगे, लीड करेंगे मतलब हम रिवोल्ट करेंगे। पर इन्होंने भी एक गलती कर दी, क्या गलती कर दी हम आगे देखने वाले। चलो इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम रिवोल्यूशन करेंगे, कुछ नया चेंजेस कर, क्या नया लाएंगे, ये लोग अपनी पावर मांगते थे, ये पैसे वाले थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन पास हाथ में पावर नहीं थी, सारी पावर थी मोनार्की के हाथ में, इनको लगता था हम भी काबिल लोग हैं, हमने भी अपनी काबिलियत प्रूव की है, तो हमें पावर क्यों नहीं मिलती, तो पॉलिटिकल सिस्टम ही बदलना होगा जिसमें काबिल लोगों को पावर मिले। और ये इंस्पायर्ड हुए थे 1848 में जो फ्रांस में हुआ था, क्या हुआ था फ्रांस में, कल हमने देखे इस चीज़ को, फ्रांस में हुआ था, वापस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला ली गई। उसके अलावा ये हुआ 1830 में, लुई फिलिप राजा बना, फिर 1848 में इसको हटा दिया गया, लुई फिलिप को फ्रांस छोड़ के भागना पड़ा, और उसके बाद नेशनल असेंबली का पावर आया, और नेशनल असेंबली ने दी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, नहीं यूनिवर्सल मेल सफरेज। हम आगे देखते हैं, ये तो फ्रांस में हो गया, फ्रांस सेट, फ्रांस को भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ ऊपर यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड्स से बेल्जियम भी अलग हो गया, नीचे स्विट्जरलैंड भी ऑलमोस्ट सेटअप हो गया, फ्रांस सेटअप है, इंग्लैंड ठीक ठाक सेटअप हो चुका है, मतलब वेस्टर्न यूरोपीय कंट्रीज जैसे नेशन स्टेट के लोग चाहते थे बहुत हद तक वैसे बन चुके थे। अगर हम ये पूरा यूरोप माने तो इतना पार्ट यूरोप का, इतना पार्ट ऑलमोस्ट नेशन स्टेट के लिए सेटअप हो गया, लेकिन सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में अभी भी प्रॉब्लम्स थे, यहाँ पे नेशन स्टेट नहीं बने थे, यहाँ पे अभी भी हैब्सबर्ग एम्पायर था, उसके सबॉर्डिनेट्स छोटे छोटे किंगडम्स थे, और किंगडम में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे, इन लोगों को वो नहीं मिला था जो वो चाहते थे, यहाँ पे मिल चुका था इतने एरिया में, ऑलमोस्ट मिल चुका था। अब यहाँ के लोगों ने कोशिश की, क्या कोशिश की, कि हम अपना देश बनाएंगे, अपने नेशन स्टेट बनाएंगे, और कौन, जर्मन नाम का कोई नेशन स्टेट नहीं था, लेकिन जर्मन स्पीकर्स थे जो अपना नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, इटली नाम का कोई कंट्री नहीं था, लेकिन इटालियन पॉपुलेशन थी जो अपना नेशन स्टेट बनाना चाहती थी, सिमिलर इज द पोलैंड जो कि रशिया के साथ ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था, रशिया ने इसका एग्जिस्टेंस ओवर शैडो कर रखा था, और ऑस्ट्रियन हंगेरी एम्पायर जो यहाँ से आगे चल के ऑस्ट्रिया बना, इनके अपने नेशन स्टेट नहीं थे, लेकिन इनमें नेशनल सेंटिमेंट्स आ चुके थे, लेकिन देश नहीं था इनके पास, अब ये लोग अपना देश बनाने की कोशिश करेंगे। अब मेन और वुमेन दोनों सामने आए, ऑफ कोर्स मेन तो ऑलरेडी एक्टिव थे, वुमेन भी उनके साथ पॉलिटिकली एक्टिव हो गई कि हमें भी चीज़ें अचीव करनी, और इन लोग क्या चाहिए थे, इनकी डिमांड्स क्या थी, इन पढ़े लिखे मिडिल क्लास वालों की, जिनके साथ अब वुमेन भी पॉलिटिकली सेम आ चुकी थी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, देश में कॉन्स्टिट्यूशन हो, और नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब ये सारे देश पॉलिटिकल एंटिटीज बनाए जाए, जर्मनी नाम की पॉलिटिकल एंटिटी हो, इटली नाम का एक नेशन स्टेट हो, पोलैंड नाम का एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, और ऑस्ट्रिया हंगेरी इंडिपेंडेंट से ऑस्ट्रिया अलग निकल जाए, ये लोग ही चाहते थे। और इन्होंने देखा कि पुअर पीपल, फार्मर पीपल, ये लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्ट्रगल करते हम भी स्ट्रगल करना चाहिए, हम भी डिमांड करेंगे हमारी चीज़ें, हम भी अपना देश मांगेंगे जिसमें हमें भी पावर हो, और देश कैसा, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम चले, और एक सारे जर्मन्स का एक स्टेट, सारे इटालियंस का एक स्टेट, कुछ इस तरीके से काम होना चाहिए। एक्चुअली दे वर आस्किंग फॉर नेशन स्टेट, लेकिन कैसा नेशन स्टेट, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए उस नेशन स्टेट में, मेन रिक्वायरमेंट क्या थी अपने नेशन स्टेट से, कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी थी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मीडिया कम्प्लीटली फ्री हो, और लोग जैसे चाहे वो अपने ग्रुप बना सके,
एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो जाए, नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना है वो हो, औरतों को अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाना है तो वो भी बन सके। ये सारे फ्रीडम नए देश में होने चाहिए। अगर राजा रहता है तो कोई इशू नहीं है, वे आर हैप्पी विद द किंग, बट किंग शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, दैट विद द डिमांड। ये एक इमेज है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी है। फ्रैंकफर्ट, व्हाट इज फ्रैंकफर्ट? इट इज अ सिटी इन जर्मनी। आज भी जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट, वहाँ के मेट्रो सिटीज में आता है जर्मनी के, बड़ा शहर है। लेकिन उस समय जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मन राष्ट्र बनाने की जो प्रोसेस थी, उसका एक माइलस्टोन, इंपॉर्टेंट स्टेज, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आया। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की पूरी इमेज है। चलो देखते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी और कैसे बनी, स्टेप बाय स्टेप उसका काइंड ऑफ फ्लो चार्ट बनाने की हम कोशिश करेंगे। एक चीज यहाँ पे आएगी और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस बॉक्स में आएगी, तो आप दोनों चीजें पढ़ते भी रहना साथ ही साथ। अब ये हम सिर्फ जर्मन, ये जर्मन स्पीकिंग एरिया ना जिसकी हम ये बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इट जर्मन स्पीकिंग एरिया। यही था जर्मन कॉन्फेडरेशन, याद है नेपोलियन के बाद जो बना था जर्मन कॉन्फेडरेशन, ये वही था। यहाँ के लोग जमा हुए, लोग मतलब मेल फीमेल दोनों भी। अरे क्या चाहते थे ये लोग, देखें क्या चाहते थे, अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन, मतलब सीधा सीधा उनको समझ लेंगे हम पॉलिटिकल पार्टीज। और ये पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर कौन थे, जर्मन स्पीकिंग एरियाज में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आ चुकी थी। अब ये सारे पॉलिटिकल ने अपना कोलिशन बनाया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स कौन थे, इसके मेंबर्स थे न्यू मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते हैं, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड रिच आर्टिसंस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इन सबके कैटेगरी के नाम लिए थे। मिडिल क्लास मतलब जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है बिजनेस करके, प्रोफेशनल्स, लॉयर, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और आर्टिसंस, स्पेशल नोन फेमस पीपल जो अपने नाम के अपने काम से जाने जाते थे। और ये कहाँ पे आए, ये जर्मनी के ही फ्रैंकफर्ट इतने एरिया में, कहीं तो भी इतने कहीं तो भी एरिया में फ्रैंकफर्ट होना चाहिए। यहाँ पे ये लोग जमा हुए, इन्होंने अपना खुद का ग्रुप बनाया, शायद रहे होंगे 2-3 हज़ार के आसपास लोग रहे होंगे, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं पता मुझे कितने थे। और ये फ्रैंकफर्ट में जमा हुए, इन्होंने एक बहुत बड़ी ओपन मैदान में अपनी रैली की, अपनी क्या बोलेंगे हम उसको, सेमिनार किया। और सेमिनार में कुछ लोग बोले कि हम आप सबके रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में 831 रिप्रेजेंटेटिव चुने गए। इमेजिन करो कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर शहर है, उस शहर में 2-3-4-5 हज़ार लोग जमा हुए, इन लोगों ने आपस में इलेक्शन किए, कुछ लोग अपने लीडर बनने चाहते थे, कुछ लोग नहीं बनने चाहते थे, तो ऐसा तकरीबन 2000 लोग सपोज इलेक्शन में खड़े हुए, सपोज ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, और उसमें से ये जो 831 है ये लोग चुन लिए गए, ये पूरे क्राउड से। अरे क्राउड में कौन थे, ये क्राउड में ये लोग थे, कौन थे, बिजनेसमैन, मिडिल क्लासेस, आर्टिसंस, प्रोफेशनल्स, ये सब यहाँ पे शामिल थे। इन सब लोगों ने मिलकर अपने 831 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर लिए। अब तक इससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, राजा का कोई लेना देना नहीं है, ये लोगों ने खुद अपने आप को ऑर्गेनाइज किए, फ्रैंकफर्ट में आए, फ्रैंकफर्ट में कलेक्ट हुए, गैदर हुए, वहाँ पे खुद की इलेक्शन की, लाइक नेशनल असेंबली जो फ्रांस में बनी थी 1789 में कुछ इस तरीके से, और इन्होंने अपनी नेशनल असेंबली बना ली जिसमें 831 मेंबर्स थे। अब इनको चाहिए एक बिल्डिंग जहाँ पे ये अपनी असेंबली चलाए, तो वो बिल्डिंग इनको मिली सेंट पॉल्स चर्च। ये चर्च भी फ्रैंकफर्ट में ही है, सेंट पॉल चर्च में गए, वहाँ पे अपनी असेंबली की। और उन्होंने क्या किया, ऑब्वियसली जब इन्होंने अपने आप को काइंड ऑफ नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, तो सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ये देश में चलाएंगे, पहले देश चलाने के लिए रूल बनाएंगे, तो इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की। किस चीज की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, जर्मन देश की, दे वांटेड टू मेक अ जर्मन नेशन स्टेट। आई शुडंट राइट इन दिस बॉक्स, इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना ली। कैसी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाली। और इमेजिन कर लिया कि हम हमारा जर्मनी बना रहे हैं, हमने भी इंडिया में वैसा किया था, हम आज़ाद होने के पहले ही कांग्रेस ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना ली थी,
उसके अलावा मोतीलाल नेहरू, याद होगा तुमको, मोतीलाल नेहरू ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। लाहौर सेशन में जो डॉक्यूमेंट बना था उसमें भी हमने बता दी थी कि हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने भी अपनी वैसी कॉन्स्टिट्यूशन बना ली। और उसमें कहा गया कि हम जर्मनी को एक मोनार्की बनाएंगे। अब तक जर्मनी नाम का कोई देश नहीं था। जर्मनी का अच्छा खासा एरिया प्रशिया में आता था और कुछ एरिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, देख लो यहाँ पे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जर्मन स्टेट उसमें भी आता है, प्रशिया में भी जर्मन स्टेट आता है। लेकिन इन्होंने अपना राजा किसको चुना, ये चाहते थे हम प्रशिया के राजा को अपना राजा बना ले। रशियन किंग वॉज अ जर्मन स्पीकर, इसका मतलब सीधा सीधा ये चाहते कि हमारे जर्मन स्पीकिंग एरिया ऑस्ट्रियन एम्पायर है, बाकी और जो एम्पायर में वहां से निकल जाए, प्रशिया हमारा राजा बन जाए, हम प्रशियन राजा को अपना राजा मानते हैं। तो इन्होंने क्राउन प्रशियन राजा को ऑफर किया, राजा को कहा कि आप प्रशिया के राजा को कि आप हमारे राजा बन जाओ, हम आपको आप हमारा राजा मानते हैं, और आपके अलावा हम किसी भी राजा की बात नहीं मानेंगे, हम सिर्फ आपकी बात मानेंगे, आपके रूल्स मानेंगे। आपके रूल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बना दी, आप उसके हिसाब से देश चला और हम आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। क्या लगता है अगर तुम प्रशिया के राजा होते तो ये बात मानते? दो चीजें यहाँ पे, एक कुछ लोग अपने मर्जी से आपके कंट्रोल में आना चाहते, ऑफर कर रहे कि प्लीज आप हमारे राजा बन जाओ, हम आपका रूल एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी बात, लेकिन आपको रूल करना पड़ेगा रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से। अब राजा को सोचने वाली बात है, किंग ऑफ प्रशिया पहले से राजा है, उसको ये लोग कुछ नया तो दे नहीं रहे, आप कुछ नए एरिया इसके कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन ये जर्मन स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब प्रशिया के राजा को कुछ एरिया छोड़ना पड़ेगा जो कि जर्मन के इसमें नहीं है, जर्मन स्पीकर नहीं है। सेकेंड, प्रशिया के राजा की ऑब्वियसली दुश्मनी हो जाएगी उन दूसरे राजाओं से जो कि जर्मन स्पीकिंग एरिया पे कंट्रोल किए हो, कुछ जर्मन स्पीकिंग एरिया पे कंट्रोल किए हो, बिकॉज इस प्रशिया के राजा को पूरा जर्मनी जो जर्मन स्पीकिंग एरिया अपने अंडर लाना पड़ेगा वॉर करके, तो ऑब्वियसली इसके दूसरे राजाओं के साथ पंगे होने वाले हैं, एक सीरीज ऑफ वॉर शुरू हो जाएगी अगर इसको मानता है प्रशियन किंग। तो ऑब्वियसली प्रशियन किंग ने ये रिफ्यूज कर दिया और बोला कि मुझे तुम्हारा क्राउन नहीं चाहिए, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, मैं जितने एरिया में रूल कर रहा हूँ मैं उतना करता रहूंगा और बाकी राजाओं के साथ मैं पंगे नहीं लूंगा। प्रशिया के किंग ने बाकी राजाओं के साथ मिला और इसको ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया उसने। एंड फाइनली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल्ड। तो इस तरह फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश की थी लेकिन फेल हो गई। अब सवाल ये उठता है, अगर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हुई थी, इनके पास लीडरशिप थी, इनके पास नॉलेज था, इन लोगों के पास सब कुछ था, तो बाकी जो रिवोल्ट करने वाले जो गरीब लोग थे, जो गरीब किसान थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने इनका साथ क्यों नहीं दिया? उसके पीछे भी एक रीज़न है, हम देखेंगे क्या रीज़न। लेकिन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गई, लेकिन पूरी तरह फेल नहीं हुई। राजाओं को मोनार्की को एक वार्निंग दे दी इन्होंने और राजाओं ने इस चीज़ से सीख ली कि अब गरीब से गरीब, अब अमीर लोग भी हमारे अगेंस्ट आना शुरू हो गए, अब पढ़े लिखे लोग भी हमारे अगेंस्ट आना शुरू हो गए मोनार्की के अगेंस्ट। अभी तो हमने इनको ताकत से कंट्रोल कर लिया, पर क्या इनको हमेशा ताकत से कंट्रोल कर पाएंगे? ये इनको शांत रखने के लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में और अपने किंगडम में। अब राजाओं ने ये सोचना शुरू कर दिया है। अब हम इसके देखेंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के फेल होने की रीजंस। सबसे पहले रीजन, किंग कैसर विलहेम, इसने मना कर दिया, मुझे चाहिए नहीं, मुझे आपकी मोनार्की नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। ऑब्वियसली फेल। वीकेंड सोशल बेस, इनका सोशल बेस था ही नहीं, ये सोचते थे कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पैसे वाले लोग हैं, हम सब संभाल लेंगे। इन्होंने गरीब लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की, जैसे कि महात्मा गांधी ने की थी सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करने के पहले। महात्मा गांधी ने 11 डिमांड्स का लेटर भेजे थे वॉइसरॉय को, आयरविन को, उसमें ऐसे डिमांड फ्रेम करके डाले थे जिन डिमांड से पूरी इंडियन पॉपुलेशन अपने आप को कनेक्ट कर पाए। हर किसी के लिए कम से कम एक डिमांड ऐसी थी जो पढ़ ले अगर इंडियन तो सोचे कि हाँ ये डिमांड मेरे लिए है। तो गांधी जी ने पूरे इंडियंस को अपने साथ जोड़ा था, वैसी जोड़ने की कोशिश इन लोगों ने नहीं की, तो आम लोग इनसे जुड़ नहीं पाए। और दूसरी भी एक बात थी, सोशल मीडिया थोड़ी था उनके पास कि लोगों को एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया जाए, ट्रेंडिंग कराई जाए अपने टॉपिक को, अपने मूवमेंट को, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वैसे लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने कोशिश भी नहीं की।
और फाइनली इनको दबाने के लिए थोड़ी बहुत पावर थी, उसके लिए मिलिट्री यूज़ की गई और मिलिट्री यूज़ कर में ये लोग टिक नहीं पाए। इस तरह फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गई। लेकिन एक बहुत फेमस मूवी थी, नाम सुनेंगे तुम लोगों ने, बाजीगर। सुने ये मूवी का नाम? इस yes, मूवी में डायलॉग सर, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी बाजीगर थी। ये हार तो गई, जो चाहती थी वो अचीव नहीं की, लेकिन इनकी आने वाली जनरेशंस वो अचीव कर सकती थी, क्योंकि इन्होंने एक पौधा लगा दिया था वो धीरे धीरे बढ़ने वाला था। जो चाहते थे पूरा अचीव नहीं किए, लेकिन एक पाथ सेट करके छोड़ दिए इन्होंने। कैसा पाथ सेट करके छोड़े हम देखते हैं, इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अगली साइड पे चले जाए और हम देखेंगे कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने क्या अचीव किया, पूरी तरह तो नहीं लेकिन जो भी थोड़ा बहुत अचीव किया है उसके बारे में देखेंगे। वुमेन, वुमेन के बारे में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था और उनको क्या मिला। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जब बनी, सबसे पहली जो मीटिंग सेमिनार हुआ था उसमें वुमेन भी इन्वॉल्व थे। हाँ, लेकिन जो पहले पार्लियामेंट बनी, नेशनल असेंबली बनी, उसमें वुमेन नहीं थे। वुमेन हैड बीन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लिबरल मूवमेंट। यहाँ तक कि वुमेन के अपने पॉलिटिकल क्लब्स भी आ चुके थे और ये अपने क्लब्स में भी पॉलिटिकल चीज़ों को डिस्कस करते थे और क्या बोलते दिमाग लगाते थे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते थे और क्या चीज़ें होनी चाहिए उस पर भी डिस्कस किया करते थे। लेकिन क्या औरतों को वोटिंग राइट्स दिए जाए, क्या औरतें पॉलिटिकल पोजीशंस हासिल कर सकती है, इस पर कंट्रोवर्सी थी। मोस्ट ऑफ द मेन कम्युनिटी इसको सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन औरतें ये साबित कर रही थी बार बार, वी ऑल्सो डिजर्व इक्वल पोलिटिकल राइट्स, और कुछ लोग चाहते थे नहीं मिलना चाहिए। इवन अमंग द मैन ऑल्सो सम मैन वेर इन फेवर ऑफ गिविंग वुमेन सम पोलिटिकल राइट्स, दैट एज मेजोरिटी ऑफ द मैन वेर अगेंस्ट गिविंग एनी पोलिटिकल राइट टू वुमेन। तो वुमेन ने क्या किया, उन्होंने अपने पोलिटिकल क्लब्स खोल दिए, अपने खुद के न्यूज़पेपर्स, ताकि पब्लिसिटी करें, अपने व्यूज को और ज़्यादा बताए दुनिया को, साबित करें कि कैसे लॉजिकली कि वी ऑल्सो डिजर्व इक्वल पोलिटिकल राइट्स। आज तो हम देखते हैं कि औरतों को पोलिटिकल राइट्स है और उनको पोलिटिकल राइट्स देना, हमने ऐसा करके हमारी पूरी पॉपुलेशन को जस्टिस किया है। उस समय इतना आसान नहीं था उनको देना ही। एंड दे ऑल्सो टुक पार्ट इन मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। और जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सबसे पहले मीटिंग हुई थी तो औरतें उसमें भी आई थी, लेकिन अल्टीमेटली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने भी औरतों को सफरेज नहीं दिया, उसने भी यूनिवर्सल मेल सफरेज की बात की। और जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई, मैंने इससे पहले जो इमेज बताया तुमको, उस इमेज में औरतें शामिल थी, लेकिन कहाँ थी, जस्ट एज एन ऑब्जर्वर, नॉट एज एन एक्टिव वोटर। ये थोड़ा इनजस्टिस, डेफिनेटली इनजस्टिस था वुमेन के साथ, लेकिन आगे चल के इनजस्टिस खत्म हो गया। इम्पैक्ट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा, हम क्यों फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वालों को बाजीगर मानेंगे। चलो माना कि ये जो लिबरल मूवमेंट थी उसको दबा दिया गया, लेकिन ओल्ड मोनार्किकल सिस्टम में भी चेंज आया, वो जैसी पहले थी वैसी सरवाइव नहीं कर पाएंगी, ये राजा भी समझ गए। तो उन लोगों ने, उनको एहसास हो गया, राजाओं को ये रियलाइजेशन हो गया कि साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन चलते रहेगी, उसको कंट्रोल करना है, वी नीड टू गिव सम कंसेशंस टू द पीपल, हमने लोगों को कुछ अधिकार देने होंगे अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे अगेंस्ट आना बंद कर दें। तो ग्रांटिंग कंसेशंस टू लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट रिवोल्यूशनरीज स्टार्ट हो गया, दे दिया उन्होंने। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगन टू इंट्रोड्यूस चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन वेस्टर्न यूरोप इन 1815। फ्रांस में, इंग्लैंड में जो चेंजेस आए थे, जो पावर मिले थे लोगों को, पॉलिटिकल सिस्टम आए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, नेशनल असेंबली बनती थी, उसमें इलेक्टेड लोग जाते थे, वो राजा को एडवाइस करते थे, काउंसिल मतलब एडवाइजरी के तौर पे काम करते थे। ये सारे काम अब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी होने लगे, यहाँ तक कि हैब्सबर्ग एम्पायर ने हंगेरी को भी कुछ पावर, लोगों को कुछ पावर दे दिए वहाँ पर। और इस तरह कुछ तो मिला लोगों को, राजाओं को समझ में आ गया कि अब हमको आम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा, उनके डिमांड सुनने पड़ेगा और उनको सेटिस्फाई करने के लिए लोगों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना पड़ेगा पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से अचीव हुआ, माना कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने रास्ता साफ कर दिया एक पूरा नेशन स्टेट, जर्मन नेशन स्टेट बनाने का, जो कि हम देखेंगे कल कैसे बना।
तो आज हम इसको यहीं पर रखते, कल हम देखेंगे हाउ जर्मनी केम टू पावर, इटली भी, लेकिन शायद इटली कल नहीं, इटली को हम परसों देखेंगे. सो हियर आवर क्लास एंड्स. आई नीड टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग.